इस समय बुध ग्रह मीन राशि में वक्रीय चाल चल रहे हैं। 25 अप्रैल 2024 को बुध ग्रह मीन राशि में मार्गीय हो गए थे। मार्गीय होने का अर्थ है कि अब बुध सीधी चाल चलेंगे। इसका अर्थ है कि बुध अब सीधी चाल चल रहे हैं। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है। ऐसा माना जाता है कि जब बुध ग्रह किसी लाभकारी ग्रह के साथ मौजूद होते हैं तो यह शुभ परिणाम देते हैं। बुध की सीधी चाल में परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है, लेकिन बुद्धि के कारक ग्रह बुध की यह चाल 3 राशि वालों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। आइए जानते हैं वो भाग्यशाली राशियां कौन सी है। वृश्चिक राशि। बुध ग्रह के मार्गीय होने का शुभ प्रभाव वृश्चिक राशि के जातकों को मिलने वाला है। इस दौरान जातकों की आय में वृद्धि होगी। आपको आशा से अधिक धन लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा वृश्चिक राशि के जातकों के घर या वाहन खरीदने की भी संभावना है। नए अवसरों की खोज से विदेश में आकर्षक संभावनाएं हैं। आपके वर्तमान प्रयास आपके अटूट आत्मविश्वास से प्रेरित होकर संतुष्टि प्रदान करेंगे। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध की सीधी चाल लाभकारी साबित होगी। इन जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, जिसकी वजह से हर काम आसानी से बन जाएंगे। बुध के शुभ प्रभाव से बढ़ते खर्चों पर लगाम लगेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। आपके लिए ऐसा करने के अच्छे मौके हैं। आपको अपने स्थान के बजाय विदेश में नौकरी मिल सकती है। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों पर बुध की सीधी चाल का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। काफी समय से रुका हुआ धन आपको वापस मिलने वाला है। बुध मीन राशि में मार्गी का समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है, क्योंकि इस दौरान आप अच्छा पैसा कमाने के साथ साथ धन की बचत भी करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी और आय के स्रोत भी बढ़ जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।